दोस्तों नमस्कार। मैं अपने बीए के दूसरे साल में था और हमारे पास एक कविता होती थी सिलेबस में, यशोधरा सखी संवाद। बहुत साल हो गए उस पढ़ाई को किए हुए, पर अभी तक वो कविता मुझे बार बार याद आती है। साहित्य का उस तरह से विद्यार्थी तो मैं कभी नहीं रहा हूँ, बहुत बड़े विश्लेषण भी मेरे पास नहीं हैं, उस तरह की साहित्यिक पैठ की धाती भी मेरे पास नहीं है, पर कुछ चीज़ें बतौर पाठक, बतौर इंसान जो हमें प्रभावित करती हैं, इस कविता ने वैसा ही प्रभाव मुझ पर डाला है। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा और अवकाश है, हम घरों में हैं अभी, तो सोचा क्यों ना इस कविता को एक बार फिर से पढ़ा जाए, क्योंकि जब हम कोई बेहतरीन चीज़ पढ़ते हैं तो हम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हम उऋण ना हो जाएं, तब तक हम शांत नहीं बैठ सकते, तब तक हमें वो आनंद पूरी तरह से नहीं आएगा, जब तक हम उस रचना को नए ढंग से आगे नहीं पहुंचा देते या उसके बारे में जिक्र नहीं कर लेते। तो आज मेरी तरफ से एक जिक्र, एक पठन की कोशिश इस कविता के नाम। और उससे पहले बात मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित इसलिए किया जाता था। इनकी कृति 1912 में जो आती है भारत भारती, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने उन्हें तब राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास उन्होंने किया। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन मिलता है। आपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्त काव्य दोनों की ही रचना की है। शब्द शक्तियों और अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी एक बेहतरीन इस्तेमाल गुप्त जी के काव्य में मिलता है और इनकी जो कविताएं हैं उनमें बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण, इन सब के जो कथानक हैं वो आते हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो महाकाव्य हैं वो हैं साकेत और खंड काव्य, कविता संग्रह, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, अंजलि और अर्ध्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, पत्रावली, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ, वध। इनके नाटक हैं रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, व्रजांगना, वैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, हिडिंबा, हिंदू और अनुदित जो इनके ग्रंथ हैं वो इस तरह से हैं, मेघनाथ, वध, वीरांगना, स्वप्न वासवदत्ता, रत्नावली, रुबाइयात उमर खयाम। तो ये था एक परिचय गुप्त जी का और अब हम प्रवेश करते हैं अपनी कविता में। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा,
किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपना या था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब धूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो मित्रों, ये थी वो कविता जो सालों साल मेरे साथ आती रही, अपना सफ़र तय करती रही और आज आपके सामने साकार होकर खड़ी हुई है। इस कविता में मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा भारतीय दर्शन है, विमर्श है, जीवन है, वो सब सामने खड़ा हो जाता है। हमारा ना सिर्फ धर्म, अध्यात्म, हमारा साहित्य, हमारे सामाजिक जितने भी शोबे हैं, वो सब के सब स्त्री के बलिदान के ऊपर खड़े हैं। और स्त्री अपने बलिदान से पीछे नहीं हटती, पर वो इतना कहती है कि कोई जब जाए अपने महान उद्देश्यों की प्राप्ति की तरफ, तो नारी उसमें कहती है कि मुझसे एक बार बात करके निकल जाओ, मैं रुकूंगी नहीं। पर नारी चाहती है कि वो ऐसे ना लगे कि महान उपक्रमों में वो बाधक है, वो सहायक हो सकती है और मजबूती भी दे सकती है। तो ये थी आज की कविता, यशोधरा सखी संवाद। महात्मा बुद्ध जब राजमहल से निकलते हैं और पीछे यशोधरा अपने बेटे को, अपने आप को अकेला पाती है।